हाँ रेडी रेडी आराम से धीरे धीरे हिलाओ गाड़ी धीरे धीरे ऊपर नीचे देखिए सिंपल सी बात है कि सम्राट ने जो किया था वो सम्राट कहीं ना कहीं जानता है कि वो गलत है। सम्राट ने नशे में किया था वो, और सम्राट जैसा बंदा जो है वो कभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता है। सबसे पहली बात, वो अगर करता भी है तो किसी को बोलेगा नहीं, जताएगा नहीं कि मैंने गलत किया है। लेकिन कुछ चीज़ें सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि उर्मी उसकी तरफ अटेंशन नहीं देती है, एंड जो सम्राट को बहुत अजीब लगता है कि ऑब्वियसली बात है किसी को भी लगेगा, अगर घर में कोई भी रहता हो जिससे आप यू नो ज़्यादा बात भी ना करते हो, जिसको आप नापसंद भी करते हो, वो आपसे हमेशा प्यार से बात करती है, सडनली आपसे प्यार से बात करना बंद कर दे और सिर्फ एक यू नो एक जैसे सम्राट का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो एकदम नर्स की तरह उसकी ख्याल रखती है, देयर इज़ नो इमोशन ओनली फ्लैट। सो वो सम्राट को अच्छा नहीं लगता कहीं ना कहीं, उसको लगता है क्या प्रॉब्लम है, इतना क्या हो गया, मैंने अगर मारा भी था और मैं जेल भी हुआ हूँ तो हो गया ना सब कुछ, तो अभी व्हाई इज शी नॉट टॉकिंग टू मी। सो वो चीज़ जो है वो सम्राट को खटकती रहती है, वो रेस्टलेस हो जाता है बहुत ज़्यादा, बहुत बेचैन हो जाता है। और ऊपर से ताऊजी जो है वो क्यूपिड प्ले करते हैं, ताऊजी कहते हैं कि भैया सम्राट तुम, और ये जो है वो ताऊजी की बहुत सुनता है तो ताऊजी के इशारों पर चलता है, ताऊजी को देख के बड़ा हुआ है। तो अब ताऊजी जब कहते हैं इससे कि तुम ऐसा करो तो ये ऐसा करता है, तो ये कोशिश करता है कि उर्मी उसकी तरफ अटेंशन दे, या अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है जैसे बीइंग इन द कैरेक्टर कि क्या क्या कर सकता है सम्राट, मतलब अब ज़्यादा एज अ लवर बॉय तो नहीं कर सकता बिकॉज ही डजंट नो यू नो व्हाट अब ये कैसे होता है सब कुछ, लेकिन अपनी तरफ से ट्राई करता है। कभी कुछ गिरा देता है, अपनी शर्ट पे जूस गिरा दिया था मैंने उस दिन, तो मैंने कहा कि चलो टी शर्ट उतारी मेरी, मुझे पहुँची आप, तो दैट्स इज वे यू नो टू ग्रैब अटेंशन। तो ये और भी यही ट्रैक चल रहा है, और जैसा कि आपने देखा मुझे नहीं पता इनके ये बदलते रूप जो हैं, ना ही मैंने इनको इनके प्यार को कोई ध्यान दिया है, मुझे भी पता भी नहीं कि उन्हें मुझसे प्यार हुआ भी है क्या, इज़ ही रियली फॉलिंग फॉर मी, मुझे कोई आइडिया नहीं है। एज उर्मी आई एम कम्प्लीटली इग्नोरेंट अबाउट इट, मुझे अंदाज़ा भी नहीं है कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं, एंड अगर ऐसी कोई फीलिंग है भी तो मुझे लगता है इस तरह का आदमी जिसने औरत की ये दुर्दशा कर दी है उससे प्यार की कोई उम्मीद करना एक व्यर्थ होगा। तो आई सिंपली डोंट ट्रस्ट ऑन हिज लव, ऑन हिज बिलीव, ऑन हिज फेथ, ऑन हिज एनीथिंग व्हाट जेस्चर ही शोज टुवर्ड्स हिज वाइफ। मुझे लगता है ये ऐसे मर्द या ऐसे आदमी हैं जो सक्षम है किसी औरत को नीचा दिखाने में, जिनका ईगो इतना टेम्पोशनली हाई रहता है दैट यू कांट इवन इमेजिन अ काइंड ऑफ लव और जेस्चर या किसी तरह की इज्जत या सम्मान। अपनी बीवी, अपने माँ को इज्जत नहीं करता, अपनी बहन को इज्जत नहीं करता है, तो बीवी तो खैर दूसरे घर से आती है, उसे तो आई थिंक गाय बैल बकरी की तरह पीट कर रखा हुआ है। सो आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हिम, इसलिए मुझे बीवी हूँ मैं, अपना फ़र्ज निभा रही हूँ, उनकी तबीयत ख़राब है, उनका ध्यान रख रही हूँ, उन्हें मुझसे क्या लगाव है और क्या फील करते हैं ये मेरे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है।